मॉर्निंग हॉन्टेड वीडियो आप सभी ने बहुत टाइम से देखे जा रहे हो। सारे मेरे को बार बार बोल रहे थे कि ब्लॉग करो ब्लॉग करो ब्लॉग करो, तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन के टाइम में बेटर है कहीं और जगह जाने से बढ़िया मैं अपने होम टाउन जाऊँ जहाँ पे मैं बहुत टाइम से जा नहीं पाया। तो मेरे साथ है मिस्टर आकाश जो कि मेरा छोटा भाई है और शेफ है, बहुत बेहतरीन खाना बनाता है। इसकी कलाकारी आपको देखने को मिलेगी मेरे गाँव में। और ये मेरा दोस्त है नितिन बग्गा जो कि कॉलेज फ्रेंड है और अभी तक खास फ्रेंड है और हमेशा से फ्रेंड रहेगा। और हम सारे मिलके मेरे होम टाउन जा रहे हैं और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे दो तीन दिन के लिए। एक शॉर्ट ट्रिप बन जाएगा जो कि अभी हम बाहर जाके एंजॉय नहीं कर सकते, वो मज़ा हम अपने गांव में ले सकें, मेरे गांव में ले सकें। तो हम चारों लोग आज अभी तो आगरा के मिडवे में हैं, ऑलमोस्ट हम ग्रेटर नोएडा क्रॉस कर चुके और चाय पीने और पराठे खाने के लिए रुके थे। तो जो भी होगा आपको वहीं देखने को मिलेगा बाबू, तो तैयार रहिए मेरे गाँव को देखने के लिए। हज मत, पहले बता देता हूँ यहाँ के रास्ते ऐसे भाई, तेरे को हॉर्न से यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को गाड़ी अपने आप रोकने पड़ेगी और अपने आप ही साइड लगाने पड़ेगी, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता। ये खैर यूपी हाईवे का रूल ही है, मैं यूपी से हूँ ऑलमोस्ट, मैं कई बार ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे पता है रूल है इन द सेंस यार ये है कि यहाँ पे कोई रोकता नहीं है भाई गाड़ियाँ। ये बात इससे कुछ सीखो बाबू, ये बहुत बड़ी चीज है। यार बाबू एक सिगरेट आती है और इतनी बढ़िया सिगरेट है कि उस सिगरेट ने बताया कि अगर आप मुझे पियोगे, मतलब सिगरेट कहती है कि अगर आप मुझे पियोगे तो आप मेरी तरह हो जाओगे, मतलब मेरी तरह मैं आपको ऐसा बना दूंगी। तो कैसी है वो देखो, ये है वो, ये देख लो, दिख रहा है क्या आ गया। तो बाबू एक मैसेज है कि स्मोक मत करो यार, ऐसी जगह हो जाएगी, इतने स्मार्ट हो जाओगे देख लो, इतने स्मार्ट हो जाओगे। आपको लग रहा होगा कि मैं हंस रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, बट मैं आपको सच्चाई एक बात बता रहा हूँ कि सिगरेट प्लीज अवॉइड करा करो, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाओगे टेस्ट वेस्ट कराओगे तो आपको वो देख के ही वो ECG से बता देगा कि आप स्मोकिंग करते हैं। तो प्लीज इट्स वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, तो प्लीज अवॉइड करो इन चीजों को। बाकी बस मुझे प्यार करो, मुझे सिर्फ मुझे एक सिगरेट मुंह बन जाएगा। भाई आपको लगता है क्या हमारे यूपी क्षेत्र में इससे बढ़िया कोई गाड़ी हो सकती है? ये देखो स्पोर्ट्स कार, टार्जन द कार। सेकेंड होम आ चुका हूँ और टाइम 4 बज गए हैं क्योंकि रास्ता बड़ा यूपी का खराब था। और अब मैं आपको पूरा अपना घर दिखा देता हूँ, इधर से दिखा देता हूँ, शायद प्रॉपर आपने देख नहीं पाया होगा क्योंकि दिल्ली में हो रहे थे बोर, नहीं बच रहा था कुछ करने को, तो यहाँ अपने होम टाउन में आगे मचाने शोर। तो ये है पूरा घर अपना और ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सारे परिवार के लोग ही हैं मेरे। मैं आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा दूंगा और दिखा देता हूँ आपको इस तरफ। ये सारे भाई बैठे हुए अपने, ये पूरा एरिया ये सारा ओपन में है। मैं यहाँ पे वैसे मोस्टली हर 2 महीने के अंदर आता ही आता हूँ यहाँ पे, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने, बट लॉकडाउन हो गया था इस वजह से मैं 4-5 महीने से आ नहीं पा रहा था। बट फाइनली मैंने प्लान कर लिया कि मुझे आ जाना चाहिए और अपने आप को
रिलैक्स फील कराने। और दूसरी बात ये है कि आप सारे लोग बोल रहे थे कि व्लॉग नहीं है, तो मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं अपना घर ही दिखा दूँ, जहाँ पे मैं प्रॉपर सारी चीज़ दिखा सकूँ। और ये हमारे आकाश शेफ बैठे हुए हैं, इनको आपको पता ही है मैं किस लिए लाया हूँ, क्योंकि ये भाई साहब हमारे अच्छा खाना बनाता है, प्यारे प्यारे खाना बनाएंगे। स्मूथ नहीं देना चाहता यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहा है यार, आप आ रहे हो ऐसा नहीं भाई, क्लोज आप आ रहे हो भाई, क्लोज तो हम है ही ना, कितने क्लोज हो, इतने क्लोज नहीं होना चाहिए ना फिर यार, इसने पूरा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, नहीं खराब नहीं, अब ये डलेगा, मैं तेरे घर वालों को बता दूंगा मेरे से ऐसी बातें करते तो डलेगी, ये तो घर वाले देखेंगे, छोटा हो गया, ये 19 साल का लड़का है, मेरे से ऐसी बातें कर रहा है, ये करेगा वो करेगा। और ये सारा, ये भी ओपन एरिया पूरा। और आपको ये बता देता हूँ कि मैंने सोचा कि अपने घर का ही ब्लॉग कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर आपको पता ही है होटल्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि COVID-19 का बड़ा ही सीरियस सीन चल रहा है। तो अब हमें घर को ही होटल बना लिया, हमने घर को ही होटल बनाया है। और मैं आपको भैंसों का दूध निकालते हुए दिखाऊंगा, ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाऊंगा, और जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, जो अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, वो मैं आपको इस व्लॉग में दिखा दूंगा। अब लेट हो गए हैं, बस अभी जस्ट आया ही था मैं, फिर फ्रेश हुए हम, और उसके बाद अब हमने खाने का सीन करना है, डिनर भी हमने खुद बनाना है, तो देखते हैं अगर आज डिनर बनाएंगे तो ठीक है। वैसे हमें इनविटेशन आ रखा है साथ वाले घर से, जो कि एक भाई हमारा, कई लोगों ने उसे पहले भी देख रखा है, मेरे साथ में भी रहता था वो, और अब वहाँ जाएंगे, उनका डिनर करेंगे और सिर्फ सोएंगे। कल मॉर्निंग से जो व्लॉग स्टार्ट होगा वो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। और ये भी एरिया पूरा है अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बग्गा भाई साहब खड़े हुए हैं, ये बग्गा भाई साहब हमारे खड़े हुए हैं, हेलो भाई देख रहे हो, हेलो भाई, ये भाई है सारे, बहने हैं तेरी, इन बहनों को देख रहे हो, सुनो जितनी भी लड़कियां ना, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, ये तुम्हारा रक्षक बनेगा, ठीक है, चलो भाई बने, हाँ बिल्कुल आपने बहुत सही बोला। और मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा धीरे धीरे। और ये इसका बाहर का पूरा एरिया है, अब यहाँ से दिखा दो, अब यार खुली जगह है मेरे हिसाब से ना, इतनी खुली जगह पे आने का ना मज़ा ही अलग है। और यहीं पे मैं वर्कआउट सारी चीज़ें करूँगा, और यहीं पे 3-4 दिन का मेरा स्टे है, तो यहीं लगे रहना बाबू, नज़र टिका के। सारा एरिया जैसे ही घर के सामने ही, घर पूरा पीछे की तरफ अगर दिख रहा है, ये पूरा अपना मेरा ही है, घर सारा मेरा ही है पूरा। और ये नलका चलाते मेरे को ऐसे घूर रहा है जैसे मुझे मारेगा तो नहीं ना मेरे को, हंस रहा है, ये शर्मा गया। और ये मेरा भाई गांव का फ्रेंड है, सबके फ्रेंड होते हैं, जैसे बिल्लू बार और मूवी है ना, ऐसे भाई ये मेरा फ्रेंड है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, और बहुत सपोर्टिव है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करता है, मुझे बताता रहता है कि ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ का जो भी, मैं आप सबको बताता हूँ, यहाँ की जो भी फसलें होती हैं, जो भी हमारा खेत होते हैं, उसकी सारी चीज़ें हमारे अंडर में जितनी भी हैं उनको ये मेरे को अपडेट करता रहता है, ये सारी चीज़ें मुझे बताता रहता है कि क्या चल रहा है आपके गाँव में, क्या चल रहा है। और ये मेरा चाचा जी का लड़का है, ये तो मेरे से भी बहुत पढ़ा लिखा है, मैं तो इसके सामने बोल ही नहीं पाऊंगा भाई। तो भाई बता कुछ बोलना हो, कैसे लग रहा है, ये क्यों आया, क्यों तू भाई गाँव में, लॉकडाउन की वजह से आया हूँ देख लो, अब ऐसा नहीं है मैं लॉकडाउन की वजह से आया हूँ, मैं यहाँ पे चिल मारने आया हूँ, क्योंकि हर जगह कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो मोस्टली जितने लोग जहाँ पे भी हैं वो सारे अपने होम टाउन जा रहे हैं, जो एक्चुअली जहाँ के बॉर्न है, तो सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। और वो एक और मेरा पीछे भाई बैठा है, ये वो भी कहीं जाने को हो गया है, ये देखो ये अभी आ रहे हैं, तो रात का खाना इसी के घर पे होगा अभी आ रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट खाना बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता ही है खाना खाने को तो मिल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। ये भी पूरा एरिया है, ये सामने है यार, यहाँ पे नेचुरल हवा है, नेचुरल चीज़ें हैं, ताजगी है, एहसास है, बस वो नहीं है जो बाबू चाहता हूँ मैं, वो यहाँ पे आ भी नहीं सकता यार, क्योंकि मैं उनसे ला भी नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं एक्चुअली। और ये सारे मेरे को इशारे कर रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा वैसा कोई नहीं है यार, बाबू अपने को बाबू चाहिए, अब बाबू मतलब ये चाहिए, अरे मजाक कर रहा हूँ, दोस्त चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए।
तो ये हमारे बग्गा भाई साहब है और एक और फ्रेंड है मेरा अर्चित। हम दोनों बहुत क्लोज हैं, हम बचपन से साथ रहते हैं, बट वही है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कोरोना यहाँ पे ज्यादा फैल रखा है। उनको ये नहीं पता कि कोरोना वहाँ बहुत ज्यादा फैला है, यहाँ बिल्कुल नहीं फैल रखा। तो हम यहाँ पे बिल्कुल देसी लाइफ जीने वाले हैं और देसी तरीके से सब कुछ करेंगे, देसी तरीके से वॉशरूम, देसी तरीके से वो क्या करते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू वही वो भी देसी तरीके से होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर होता है तो सब कुछ है। ऑल दो फैसिलिटीज सारी है हमारे घर में, बट स्टिल ये देखो मेरे को इशारे कर रहा है। ऑल दो फैसिलिटीज बहुत सारी है हमारे घर में और इशारे करे जा रहा है मेरे को जो ये कहना चाहता है। इसके घर वालों ने भी भगा दिया, किसी घर वाले कह रहे चलो भाई से ले जा, पापा की होगी लड़ लो। ये पढ़ा लिखा फाइव स्टार में शेफ है भाई और ये बंदा जय बाबा की लाड़ लो, ये क्या होता है, ये सिखाया है, यही मैनर्स है भाई अपना तो। इनकी यही मैनर्स है। ये सारी ना दबाव होता है ना जिसका गुस्सा, जिसको क्लाइंट्स डांटते हैं वो सारा हमारे ब्लॉग में निकालते हैं। यस जितने भी और सबने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा जो आम पन्ना बना रहा था ये वही है भाई आकाश। इसको क्लाइंट कहते हैं चल, ये कहता तुम्हारी ऐसी किस्त है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई क्लाइंट से जो भी सारा हमारे पे निकालता है ये वे है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि गांव का नाम अलीगंज है, नियर टू एटा, और आगरा से 2.5 hours लगते हैं मेरे को यहाँ पे पहुँचने में, और ढाई घंटे नहीं भाई झूठ बोल रहे ये झूठे इंसान। मैंने मैंने ये गूगल मैप्स है। हाँ तू बता, सुबह 3 बजे निकले थे हम। सही बता, हाँ सही बता, चलो 4 मान लो। नहीं नहीं ढाई बोल, ढाई ढाई नहीं बोलूंगा भाई, ढाई नहीं बोल सकता। चलो ठीक है भाई, 2:30 बजे तो मैं सो के उठाता भाई। फिर देखिए रात को कैंसिल है वो। कौन सा कैंसिल? अरे वो कैंसिल होना चाहिए पापा की वजह से। बोलो 1 घंटे का रास्ता भाई, 15 मिनट का रास्ता भाई। यार बाबू देखो दुनिया में सब बिकता है, किसी ना किसी कोई ना कोई हर लालच की वजह से बिक जाता है और वो तो आपको पता ही है भाई। 15 मिनट का रास्ता बता दिया इसने। और अभी इनको डर लग रहा है कि यहाँ पे सांप तो नहीं है, हमारे बग्गा साहब कह रहे हैं सांप तो नहीं है। मैं तो कहता सांप हो, एक बार दिखे तो सही, जरा एक्सप्लोर करें क्या होता कैसे सांप। मैं तो जिंदगी में सांप भी एक्सप्लोर करें, सांप जब घुस जाए जब घुस जाएगा ना सांप तब पता चलेगा कैसा होता है। तो सावन का महीना है, सेनापति बन के घूम रहा हमारा भाई, सांप आ जाके मेरा। चलो चलो, अरे भाई जय बाबा की होगी भाई अब तो ये। चलो यार अब आगे की तरफ घूम के आ रहे हैं और नहीं उसके बाद बताऊंगा क्या 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 है। तो काफी लोग मेरे से ये बार बार पूछते रहते हैं कि आप फिट कैसे हो, फिट कैसे हो, क्या फॉलो करते हो, कौन सी डाइट लेते हो। तो आपको मैं दिखा देता हूँ मेरी जो डाइट है, जो कि मैं लॉकडाउन में दिल्ली में भी ले रहा था, पर मेरे को दिल्ली में बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी, मतलब मेरे को अफोर्ड करने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता था। लेकिन जब मैं अपने होम टाउन आ गया हूँ तो मेरे लिए शायद लगता है कि बहुत ईजी है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10 रुपए की टिक्की मेरे गाँव में बिकी, ये 10 रुपए की टिक्की जो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, और बाबू ये याद दिलाएगी किस चीज़ की, उसकी ले तेरी। मजाक कर रहा हूँ, किसी की याद नहीं ला रही, बस ये कोक है और टिक्की खाएंगे हम। तो बाबू रात के 2:30 बज रहे हैं, मेरे हिसाब से गांव में सारे बंदे सो जाते हैं, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे दोस्त हैं यहाँ पे गांव में जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और हेलो मिस्टर, फ्रिज में रहोगे क्या? इधर आओ, ये मिस्टर विपन कुमार जी मेरे को हमेशा से जो गांव में सपोर्ट करने वाला, मैंने आपको बताया था अंशुल और विपन। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार ये मेरे ना बहुत करीबी और मेरे बहुत खास भाई भतीजे, मैं वैसे चाचा लगता हूँ रिलेशन में। 2:30 बजे ना मेरे हिसाब से चाचा नहीं चचा मिर्जापुर वाले चचा, तो वो वाले वो तो फिर वो वाले होते हैं मिर्जापुर वाले, नहीं मिर्जापुर वाले चचा की लैंग्वेज उसके नहीं। आगे नहीं। पर भाई देखो एक बार नीचे खाना दिखा दो। तो भाई देखो ये है घी, ये सैलेड है, जो भी है ये चूल्हे पे रोटियां बनी है भाई ने बताया, और ये चूल्हे की रोटियां है। शायद कई लोगों को नसीब होते होंगे आज की जनरेशन को खाना नहीं मिलता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि और हमारे शेफ साहब घी लपेटे जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं जैसे कि इंग्लिश तुम्हारे ग्रीफ घी फ्री है क्या? नहीं भाई टेस्टी खाना बना है ना अल्टीमेट। शेफ साहब ने भी आज मुझे बता दिया कि बहुत अल्टीमेट खाना, और सच बताऊं मैं बहुत फैन हूं। अभी यार घी नहीं खाऊंगा मैं, और ये करोड़पति लखपति आदमी तो आज बता रहे हैं 20 करोड़ रुपए के मालिक है। एक मिनट इधर, ये 20 करोड़ रुपए के मालिक है, उन्होंने बताया भाई बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, कुछ पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब, बस दो रोटी दो दाल चावल मिल जाए बस। हाँ ये दो दाल चावल नहीं है, ये पूरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते रहते हैं, और ये 2 करोड़ रुपए वो है। और अर्चित साले तेरे को मिस कर रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे सारे धीरे धीरे जान जाओगे मेरे सारे सर्कल्स को,
और एक बात बाबू, ये लाइफ है यार, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लाइफ जो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। ये चूल्हे की रोटियां शायद आज के आने वाली जनरेशन को नहीं पता कि कैसे बनती हुई, कैसे मिलती हुई, क्या नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में वो दौर खत्म हो चुका है, वो टाइम खत्म हो चुका है। बट सारे लोग हॉट लेग्स दिख रही है यहाँ से किसी की, क्या ये देखो ये फ्रेम से ना हॉट लेग्स दिख रही है किसी की, हॉट लेग्स यार, ब्लैक लेग्स। चलो बोला जाता हूँ यार मैं, अपनी मम्मी का खाना आज के खाने भूल गया यार मैं, जो आज खाना खाएगा हूँ यार। जैसे कि आपको पता है काफ़ी लेट हो चुके हैं, 3 बज चुके हैं और मेरे घर में कोई रहता नहीं है, इस घर में कोई भी नहीं है रहने वाला। तो अभी बस ये सेटअप है जो लगा रखा है सोने का, ये सब सो रहे हैं और ये एक फ़ैन ये लगा रखा है, एक फ़ैन वो लगा रखा, और 2 बंदे भी बाहर हैं, आ रहे हैं, एक भाई अपना वो सो रहा है। ये ऊपर का व्यू है, जैसा भी है, रात के काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब मैं मॉर्निंग में यहीं से शुरुआत करूंगा और मॉर्निंग में दिखाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी बाबू ये थोड़ा अंदर का व्यू है, ऐसे देख लो, ये हम फ्रेश फ्रेश हुए थे, हमारे सारे कपड़े टंगे हुए हैं और अब यहाँ पे वीडियो करते हैं एंड। सो प्लीज़ गाइज, ये मेरा सिस्टम है यहाँ सोने का, यही है बाबू देसी लाइफ, खाट मंजी सब कुछ ऐसे ही चलता है यहाँ पे। बाकी मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक इस व्लॉग को एंजॉय करिए, लव यू, टेक केयर और हवा लेने दो।